नमस्कार, मैं हूं महेश उपाध्याय, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। हैदराबाद के एबिट्स पुलिस द्वारा दो चोरों को किया गया गिरफ्तार। सेंट्रल जोन डीसीपी द्वारा कांस्टेबल आर सतीश लाल यादव, टी रवि कुमार, डी राघवेंद्रा को रिवॉर्ड दिया गया। इसकी विस्तार से जानकारी देते हुए सेंट्रल जोन डीसीपी यहाँ है जीपीओ के पास मुश्ताक सिर बोल के एक व्यापारी है, ये उनके पास एक पावर टूल्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बेचने का एक शॉप है। वो बेचने का जो सेल प्रोसेस होता है वो पूरा कस्टमर से कलेक्ट करके जीपीओ पास आके वहाँ एक रोड साइड भंडार के साथ चिकन स्नैक्स खाते हैं। उसी टाइम पे गाड़ी में डिक्की खोल के 32 लाख अमाउंट चोरी किया गया है। ये केस में हमारा एक टेक्निकल इनपुट्स और ये एम्प्लॉय, इसका एम्प्लॉय जो है मस्जिद, उसके खिलाफ शक था। उसके शक के हिसाब से उसको इंट्रोगेशन करे तो मालूम हुआ कि ये मस्जिद का एक दोस्त है शहीन बेगम बोल के, वो फेसबुक से इसको परिचय हुआ है। वो फ्रेंडशिप से दोनों कभी कभी उनको जब भी पैसे जरूरत पड़े तो मैंने 2000, 3000, 5000 ऐसे बेचा रहा था। जब उसका फाइनेंशियल नीड्स और इसका फाइनेंशियल नीड्स देख के ये अच्छी मौका, इतना सालों से मैं काम कर रहा हूँ, इतना लाखों रुपया मैं डिक्की में कैरी कर रहा हूँ, इससे अच्छा बड़ी मौका क्या हो सकता है बोल के मौका देख के कभी उसी दिन 2 तारीख के दिन ओनर का गाड़ी जुपिटर गाड़ी लेके उसका की डुप्लीकेट की मार्केट पीएस लिमिटेड में बनाया। उसी डुप्लीकेट की से साथ वो की शहीन बेगम को दे दिया उन्हें। कैसा भी 2nd तारीख वो पैसा कलेक्ट करने के लिए कैसा भी जाएगा, तो जब मैं हम कलेक्ट करने जाते हैं आपको फ़ोन पे बुलाते हैं, वहाँ जीपे तक आ जाना आप बोल के शहीन बेगम को मस्जिद बोल दिया है। तो पूरा पैसा कलेक्ट करने के बाद शहीन बेगम भी वहाँ आके वेट कर रहा था जीपीओ के पास। जब ये लोग आके चिकन खाने के बाद पान महल के पास तीनों बढ़े, उसी टाइम पे शहीन बेगम, उसके पास ऑलरेडी डुप्लीकेट की था वो की आके डिक्की खोल के उसमें जो बैग था उसमें 32 लाख 32 लाख का और 10,000 का जो बैग था वो बैग लेके वो होंडा एक्टिवा गाड़ी पे आया था, वो गाड़ी पे उन्हें छिले गया। ऐसा ये मस्जिद को पकड़ने से, मस्जिद को इंट्रोगेशन करने से उसका फेसबुक पे और दोनों को पकड़ा गया है। अभी दोनों के पास पूरा चोरी हुआ जो भी 32 लाख 10,000 पूरा ये रिकवरी हो गए हैं। अभी दोनों को हम रिमांड कर रहे हैं, जो आज मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे दोनों के लिए। मस्जिद कोई पहले के केसेस में है क्या? हाँ, मस्जिद के पास कोई केस नहीं है पहले, ये तो एम्प्लॉय है, वर्कर है, 6 या 7 साल से इनके साथ काम कर रहा है मुश्ताक सिर से। कभी भी इसके इस पर कुछ शक नहीं था ओनर को, वो भी एक एडवांटेज इनके साथ खाते वक्त और पान खाते वक्त पूरा उनके साथ रहे तो उसके ऊपर नया आएगा। बट दूसरा आदमी को इस्तेमाल करके इन्हें चोरी करने के लिए ये प्लान अच्छी तरह बनाया था, बट कैसे पकड़ा गया है इधर उधर टेक्निकल इनपुट्स विकास, इन्हें फ़ोन पर उनको कॉल कर रहा है, वो फ़ोन पर रेस्पॉन्ड हुआ है, वो फ़ोन पर आगे यहाँ आके वेट कर रहा था। और इसका जो इतना सारा माल गाड़ी में रहे तो कम से कम एक बंदा तो वहाँ रहना है, पूरा गाड़ी चोर के पान के लिए पान के मसल पर रहने सकते, तो ये पूरा देखे तो इसकी शक है। वो हम जो शक सही हुआ उसके हिसाब से पूरा क्या शक हुआ इसमें एबिट्स डिटेक्टिव इंस्पेक्टर गोपी और हमारा इंस्पेक्टर रवि कुमार, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर सब लोग अच्छी तरह काम कर रहे हैं। इनको जो भी अच्छी काम कर रहे हैं हमारा सी पी साहब इनको फॉरन 3-4 दिन में उसको रिवार्ड मिल रहा है। अभी आज भी इनको एक अच्छा अटेंशन डाइवर्शन कैंप पकड़ा गया था, उसमें रवि कुमार इंस्पेक्टर को और डी एफ भी दोनों को मिलिटरी सर्विस सेंटर भी मिल रहा है। जहाँ भी अच्छी काम हो रहा है उसके लिए हमारा सी पी साहब ने उनके रिवार्ड की तरफ से मेडिटरी सर्विस सेंटर और कैश रिवार्ड भी दे रहा है। Thank you, sir.